आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज के जमाने में बिल्कुल एक दौड़ सी चल रही है, कंपटीशन की दौड़ चल रही है। हर कोई रेस जीतना चाहता है, हर कोई फर्स्ट आना चाहता है। यानी मुझे एक बात बताइए, अगर हर कोई फर्स्ट आना चाहता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए काबिलियत कि हर कोई व्यक्ति चाहे कि यार मैं फर्स्ट आऊँ, लेकिन क्या सभी एक साथ फर्स्ट आ सकते हैं? पॉसिबल है? दिस नॉट पॉसिबल। देन आप क्या करेंगे? दूसरी बात, अगर दूसरी तरफ भी देखो कि हर व्यक्ति में वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है या रिच फैमिली से बिलोंग करता है, हर व्यक्ति बोलता है यार मेरा एक बेटा है, मेरा मेरे बच्चे हैं, मेरे को उनके लिए कुछ करना है, मेरे को उनके लिए कुछ करना है, मेरे को यहाँ उनके लिए एक मकान लेना है, यहाँ पे उनकी ये हर चीज़ की हम प्री प्लानिंग करके रखते हैं। बिल्कुल मस्त ऐसा लगता है कि यार हमारे जो बच्चे हैं, हमने इनको पढ़ा लिखा कि मतलब हमको रियल में देखा जाए तो हम ये सब चीज़ें करके ये साबित कर देते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो अपनी लाइफ को जी नहीं पाएंगे, उसमें कोई हुनर नहीं है। क्या हमारे में हुनर नहीं था क्या? हमारे माँ बाप ने, हमारे फादर्स ने हमको योग्य बनाया और यहाँ पहुँचाया। आज हम इतना सक्षम हो गए कि हम हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सक्षम है क्योंकि हम, क्योंकि यही चीज़ हमारे पेरेंट्स को पता था कि यार हमने बच्चा हमारा इंटेलिजेंट है, हमने उसको ये किया है। तो अब मेरा ये जानना है कि यदि आप ही ये सब चीज़ करेंगे तो फिर आपके बच्चे क्या करेंगे? यार आप खुद अपने बच्चों को मतलब कमजोर साबित कर रहे हैं। दैट इज नॉट करेक्ट। आप उनको करने दीजिए, तभी तो कुछ कर पाएंगे। हम शुरू से सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं प्रोवाइड करके ये साबित कर देते हैं कि हमारा बच्चा निकम्मा है। तीसरी बात, आज जहां व्यक्ति को कल के बारे में पता नहीं है, वो भविष्य बनाने चक्कर में परेशान है। अगले क्षण उसके साथ क्या होगा, अगले पल उसके साथ क्या होगा, कल रहेगा भी नहीं या रहेगा, इसे कोई ज्ञान नहीं। क्योंकि हम भगवान तो है नहीं कि हमने कल देख लिया कि कल क्या होगा। जहाँ व्यक्ति को अपने अगले पल के बारे में मालूम नहीं रहता है कि यार मेरे साथ अगले पल क्या होने वाला है, फिर भी वर्तमान को खराब किए जा रहे हैं भविष्य के चक्कर में। वही आज की ये सब बहुत कम व्यक्ति रहते हैं जो आज की प्लानिंग करते हैं। हर व्यक्ति की प्लानिंग कल की होती है, मुझे कल ये करना है, मुझे कल वहाँ जाना है, मुझे कल ये करना है। ना परिवार को समय दे पाएंगे, ना फैमिली को समय दे पाएंगे, ना सोसाइटी को समय दे पाएंगे। 24 घंटे 24 घंटे तनावग्रस्त। और फिर उस तनावग्रस्त से मुक्त होने के लिए फिर विभिन्न साधनों में जुटे रहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि तनावग्रस्त जीवन की उत्पत्ति हमने ही करी है। हम सुख सुविधाओं में इतने व्यतीत हो गए हैं कि हमें सुख सुविधाओं के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पास स्विफ्ट डिजायर है, उसके पास ऑडी है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास बंगला है, मेरे पास क्यों नहीं है? क्या यही लाइफ है? एक बात बताइए कि ईश्वर जब आपको इस पृथ्वी पर भेजता है तो क्या दे के भेजता है? आपका किस्मत, या आपका मस्तिष्क, या पैसे, या कपड़े, कुछ भी नहीं। ईश्वर सभी को एक समान मस्तिष्क दे के भेजता है। ऐसा नहीं है कि उसने मस्तिष्क या दिमाग बांटने में किसी के साथ भेदभाव किया। वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये हमारी सोच है कि हम बोलते हैं कि यार ईश्वर ने उनको बहुत ज़्यादा दिया और मुझे कम दिया, मेरे साथ भेदभाव किया। बस फर्क इतना रहता है कि जो सक्सेस व्यक्ति है उसने अपने मस्तिष्क की पावर शक्ति को समझ लिया और सक्सेस हो गया, और हमने हमारे मस्तिष्क पावर शक्ति को कभी जाना ही नहीं। क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, हम क्या कर सकते हैं, कभी सोचने का प्रयत्न भी नहीं किया, और हम हमारे भाग्य को कोसते रहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब ईश्वर हर चीज में, किसी चीज में भी कभी भेदभाव नहीं करता है, तो फिर हम क्यों करते हैं?
हम हमेशा खुश रहने के बजाय तनावग्रस्त जीवन जीते हैं। कारण एक, भविष्य की चिंता। अरे भविष्य, भविष्य देखा ही किसने है? आप तो वर्तमान को जिए, वर्तमान में जो लगता है आपको, आपके दिल को जिससे खुशी मिलती है, आपके परिवार को जिससे खुशी मिलती है, आप वो करें। आप सोसाइटी, समाज क्या कहेगा इसकी परवाह मत कीजिए आप, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यदि सोसाइटी की चिंता करेंगे तो क्या हुआ था। आपको अपनी खुशी देख, आपको किस चीज से खुशी मिल रही? मतलब मेरा एक कहने का मतलब है कि ईश्वर ने आपको जीवन प्रदाय किया है, तो आपको अपने हिसाब से जीना है कि यार मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी। जिस चीज से खुशी मिली आप वो काम कीजिए, लेकिन पूरी तरह आप तनाव मुक्त जीवन जिए। क्योंकि एक्चुअल में देखो दोस्तों, क्या होता है ना, व्यक्ति जब तनावग्रस्त, आवश्यकताओं के बढ़ते, जब धीरे 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 आवश्यकताएं जैसे बढ़ती जाती है ना, तो व्यक्ति में एक तनावग्रस्त जीवन बढ़ता जाता है। ऐसे क्या होता है, ठीक है, धीरे 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 माइंड पे इतना डिप्रेशन हो जाता है कि व्यक्ति गलत रास्ता अपनाने को लिए मजबूर हो जाता है। वो अपने आप को पूरी तरह असहाय महसूस करता है, उसे लगता है कि अब शायद मैं इन जिम्मेदारियों का, इनका बोझ नहीं उठा पाऊंगा, और व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। तो जहां तक हो एक तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें, और भविष्य की चिंता करें, लेकिन भविष्य की चिंता में आप जो हैं अपने वर्तमान को खराब ना करें। धन्यवाद।